हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी सावन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सबको मेरे चैनल में और एक बार स्वागत है। बाहर हो रहा है जोरदार बारिश और अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं रात का खाना, जो कि हम चावल बना चुके हैं, साइड में रखा हुआ है। और यहाँ पे अभी हम बनाएंगे अंडा करी, जो कि एकदम नॉर्मल बनाएंगे और ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाएंगे, बस पतला सा ही इसका ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है तेल गरम हो गया था, उसके बाद हम यहाँ पे मंगरेला डाले हैं और सूखी दो लाल मिर्च डाले हैं, थोड़ा सा नमक और हल्दी, और अंडा को जो है इसी में फ्राई कर लेंगे। अंडा में हम नमक हल्दी लगा के फ्राई नहीं करते हैं, तेल में ही डायरेक्ट नमक और हल्दी डाल देते हैं और उसके बाद अंडा डालते हैं, तो फ्राई हो जाता है और फटता भी नहीं है। और कुकर में हम अंडा को जो है बॉईल किए थे, इसी वजह से जो है एक अंडा थोड़ा सा फट सा गया है। और अभी देखिए यहाँ पर जो है अंडा फ्राई हो चुका है। अभी हम इसमें प्याज डालेंगे, जो कि एकदम थोड़ा सा ही प्याज इसमें डाले हैं। ऐसे तो अंडा का सब्जी जो बनता है थोड़ा सा ग्रेवी जो है उसका मोटा सा बनता है, लेकिन हम यहाँ पे पतला झोल बनाएंगे। और पानी पड़ रहा था बाहर, इसी वजह से जल्दी घर आ गए थे कुसुम का पापा। और यहाँ पर देखिए अभी मेरा अंडा का सब्जी बन गया है। और ये वीडियो है मॉर्निंग का, मतलब दूसरे दिन का ही है, नेक्स्ट दिन का है। और यहाँ पर जो है बिल्ली म्याओं म्याओं कर रहा था और बिल्ली जो है फंस गया था, इसी वजह से जो है म्याओं म्याओं करके बहुत देर से ही फंसा हुआ था। फिर जो आया जाके हेल्प की, लेकिन बिल्ली तो देख के छोटा वाला बच्चा था भाग गया था। फिर हम यहाँ पे कुछ डॉल, जो कि बहुत दिन हो गया था, बहुत दिन नहीं बहुत साल हो गया था, डॉल को धोए नहीं थे, तो सोचे कि आज शैम्पू का पानी करके अच्छा से धो देते हैं और सूख भी जाएगा, धूप भी बहुत अच्छा है, तो शाम तक तो है सूखेगा नहीं लेकिन पानी झड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है फूलने के लिए रख दिए हैं, ये डॉल को जो है थोड़ा सा शैम्पू का पानी में रखे हैं ताकि अच्छा से इसका गंदा जितना भी है सारा निकल जाए। और यहाँ पर जो है बास्केट, जो हम कलरफुल वाला बास्केट खरीदे थे, तो इसमें जो है गंदा ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ पर जो है धो रहे थे सर्फ का पानी करके। और सी माता जी का चुनरी जो है इसी में हम रखते थे, लेकिन फाक रहने की वजह से जो है धूल आ गया था। और फिर से हमको ये सारा कपड़ा को जो है नॉर्मल पानी से ही धो रहे हैं ताकि फिर से माँ को पहना सके। और मेरे साथ जोया भी हेल्प कर रही थी। ऐसे तो जोया का तबीयत उतना ठीक नहीं है, फीवर है, गला भी बैठ गया है। हम उसको काढ़ा बना के दिए थे सुबह, लेकिन थोड़ा सा ही पी है, ज़्यादा नहीं पी है। अब ज़्यादा पीती तो शायद ठीक हो जाता, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। हम बोल रहे थे कि तुमको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साफ वही कर रही थी, लेकिन हम उसका हेल्प कर रहे थे। और यहाँ पर जो है अभी हम सी माता जी का सारा चुनरी जो है धो के पसार भी दिए हैं। और सावन का महीना है, कभी भी बारिश हो सकता है, इसी वजह से जो है अभी हम यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि फिर बारिश नहीं आ जाए। कम से कम ये डॉल का जितना भी पानी है अगर झड़ जाता है उसके बाद हम घर में कहीं पर भी टांग के रख सकते हैं। अब ये वाला छोटा वाला, छोटू मोटू सा गोलू सा ये छोटा वाला जो डॉल है, इसको भी अभी हम टांग देंगे। और ये सब जो है, जो बास्केट जो साफ किए थे, जया ही की थी ये सब, तो ये सब जो है अभी सूख गया था। और थोड़ा सा अगर भींगा भी है तो सूखा कपड़ा से पोछ दिए थे। उसके बाद यहाँ पे कुसुम को बोले हैं कि तुम सेट कर दो, सूख गया है, उसके बाद कपड़ा सारा भी सूख जाएगा सी माता जी का, तो फिर समेट के एक प्लास्टिक में रखेंगे, क्योंकि फिर उसी तरह रखेंगे तो फिर धूल आ जाएगा। इसी वजह से सोचे हैं कि सफ़ेद वाला जो प्लास्टिक सब होता है न्यू वाला, उसी में रखेंगे तो धूल जो है प्लास्टिक में ही आएगा। और यहाँ पर जो है हम जो चाय जो बनाते हैं छकनी, ये जो है थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो इसी को अभी हम साफ़ कर रहे हैं। और कुसुम चली गई थी फिर नहाने, फिर नहा के आई और माँ का श्रृंगार कर रही है, तो हम भी थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो बना लिए हैं। और माँ को जो है बेलपत्ता चढ़ाने के बाद और भी अच्छा लगता है। और बेलपत्ता जो गाछ है थोड़ा सा ही है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, छोटा छोटा सा ही है, तो वहीं से तोड़ के लाई है। और यहाँ पर देखिए माँ का पूजा हो गया था। अभी हम यहाँ पे चाय लेके आए हैं, अदरक वाला चाय बनाया है। और यहाँ पे जया चाय पी रही है, जो कि बहुत एटीट्यूड से पी रही है।
जया जया का जो है थोड़ा सा फीवर आया है और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा मम्मी थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा ही फीवर आया है लेकिन हम जो है कल उसको काढ़ा बना के दिए थे थोड़ा सा ही पी है ज्यादा नहीं पी है अगर ज्यादा पीती तो अब तक उसको बुखार उतर जाता आज तो वो पी नहीं है काढ़ा तो अभी जो है अदरक वाला हम चाय बनाए हैं और रात को देंगे टेबलेट अगर काढ़ा नहीं पिएगी तो हम उसको टेबलेट देंगे तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर जल्दी ही फिर नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड नाइट जय श्री माता जी।